गुगुस के ट्रैक्टर मालिकों ने सोमवार शाम करीब 4 बजे गुगुस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रपुर राजस्व विभाग द्वारा जब्त किए गए रेत ट्रैक्टरों को छोड़ने की मांग की। कुछ माह पूर्व राजस्व विभाग व पुलिस विभाग ने बर्दा नदी पर गुगुस में रेत के टीलों पर छापेमारी कर 24 बालू ट्रैक्टर जब्त किए थे और ये भी मांग की गई है कि सरकार वर्धा नदी के रेत घाट की नीलामी करे जो 3 साल से नीलाम नहीं हुआ है। कोरोना महामारी में ट्रैक्टर मालिकों चालकों और श्रमिकों और उनके परिवारों पर अकाल ला दिया है, इसलिए ट्रैक्टर मालिकों ने प्रेस वार्ता कर मांग की है कि जब्त किए गए ट्रैक्टरों को राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाए और उनको छोड़ने के बाद में छोड़ने के लिए बोला गया तो उन्होंने मेरे को धमकी दिया कि मैं पुलिस वाले को बुलाऊंगा और मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। खाली ट्रैक्टर है मेरी MH 34L 8152 नंबर की गाड़ी है और गाड़ी को लेके जाके नदी में फिर से घुमा के वापस लाया और उनसे पूछा गया नदी को लेकर हम दूसरे गाड़ियाँ पकड़ने जा रहे हैं, उस हिसाब से वो लेके गए बोले और तहसील में बात करेंगे करके जहाँ आने के बाद में 1,10,000 रुपये बोलेंगे उसके बाद में छोड़ेंगे। ये कौन सा उनके पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो रस्ते से चलते हुए गाड़ी को नदी ले जाते हैं और उसके बाद में फिर तहसील में लगाने के बाद में पैसे भरने की धमकी देते हैं और अगर बीच रस्ते में उनसे पूछा जाए तो डायरेक्ट पुलिस वाले को धमकी दे रहे हैं।